हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आश्रम, मुंबई आई केयर घाटकोपर से, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई आईज के बारे में। तो ड्राई आई बेसिकली क्या होती है? आपकी आंखों के आगे एक टीयर फिल्म या अश्रुओं का एक लेयर होता है। जब इस लेयर में कमी आ जाती है, मतलब या कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी अगर कम टीयर्स प्रोड्यूस कर रही है, और अगर वो टीयर्स प्रोड्यूस कर रही है और उनकी क्वालिटी अगर ठीक नहीं होती है, तो इस कंडीशन को हम ड्राई आईज कहते हैं। तो बेसिकली आंसू की फिल्म या टीयर फिल्म क्या होती है, ये समझने के लिए हम उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। आपकी आंखों के आगे एक फिल्म होती है जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं। ये बेसिकली तीन लेयर्स की होती है। उसका सबसे ऊपर का लेयर जो कि एक ऑयल का लेयर होता है, या ऑयली लेयर जिसको हम ऑयली पार्ट बोलते हैं टीयर फिल्म का, या मीबोमियन सेक्रेशन बोलते हैं। ये बेसिकली जो तेलकर लेयर होता है, ये आपकी पलक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उससे सेक्रेट किया जाता है। ये लेयर बेसिकली आपके टीयर्स को इवेपोरेट होने से बचाता है। उसके बाद बीच का लेयर जिसे हम वाटरी लेयर कहते हैं या एक्वेज लेयर कहते हैं, ये आपके टीयर फिल्म का ऑलमोस्ट 80% बनाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होता है जिससे कि आपके टीयर्स फिल्म में फ्लूइड रहता है। उसके नीचे होता है म्यूकस लेयर। ये लेयर बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि अंदर के सेल्स को बचाता है, उनको अगर कोई डैमेज हो जाती है तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये तीनों लेयर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जब कभी इनमें से कोई भी लेयर की कमी हो जाती है, तब आपको ड्राई आईज के सिम्टम्स पता चलने लगते हैं। तो बेसिकली ड्राई आईज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम हो जाता है आपकी आँखों में सूखापन महसूस होना, या इरिटेशन रहना, या ग्रिटीनेस, मतलब कि आंखों में जैसे किसी ने मिट्टी डाल दी हो और आपको आंखों में उसकी वजह से चुभन हो रही है। आंखें आपको बहुत ही ज़्यादा थकी थकी सी लगती हैं। अगर आप कोई काम करते होते हैं तो 5-10 मिनट बाद आपको आंखों में परेशानी होने लग जाती है, आंखें बंद करके रखने का मन करता है, और आपको आंखों से देखने का मन नहीं करता है। जब ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो आपकी आँखें लाल होने लग जाती हैं, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और आपकी नज़र भी कम होने लग जाती है। इन सारे सिम्टम्स से ज़्यादा डरावने सिम्टम ये हो जाते हैं कि जब आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो आपकी पुतली के ऊपर अल्सरेशन या घाव बनने भी शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपकी आंखों की नज़र भी कम हो सकती है। तो ड्राई आईज के कारण क्या क्या होते हैं? ड्राई आई का सबसे कॉमन कारण है कंप्यूटर यूसेज। जब कोई इंसान काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर यूज़ करता है, जिससे कि उनकी आँखों में कॉन्स्टेंटली नज़दीक का काम बढ़ जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या टेलीविज़न देखना, जिस टाइम पे आप आँखों की ब्लिंकिंग कम कर देते हैं, तो आपको ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ शरीर की बीमारियाँ जैसे कि आर्थराइटिस, जॉगरन डिजीज़, इन सारी कंडीशंस में भी ड्राई आई के सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, थायराइड की मेडिकेशंस, आपकी डिप्रेशन की मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस की वजह से भी आपको आंखों में ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ आंखों के ड्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपके ग्लॉकोमा के ड्रॉप्स या कि काचबिंदु के ड्रॉप्स, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, उनसे भी आँखों में ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें ड्राइनेस होती है आँखों में, वो है पोस्ट सर्जिकल ड्राइनेस। कुछ लोगों को सर्जरी के बाद, जैसे कि कैटराइट सर्जरी या लेसिक सर्जरी के बाद भी आँखों में ड्राइनेस महसूस हो सकती है, जो कि टेम्पररी होती है, और ये ड्रॉप से उसका इलाज हो जाता है। अब ये ड्राइनेस होने के ट्रीटमेंट क्या किए जाते हैं? तो सबसे पहला तो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट हो जाती है आपकी कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, अगर आपका काम आपको अनिवार्य करता है कि आपको 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठना है, तो इस पीरियड को आपको डिवाइड करना है। आप हर एक घंटे में आपको एक 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आप कोई भी नज़दीकी एक्टिविटी ना करें, और जहाँ तक हो सके एक 20 फुट दूर की चीज़ों को देखें। उस समय आपने मोबाइल फ़ोन को, कंप्यूटर स्क्रीन को देखना नहीं है। आपकी आँखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप आँखों को ब्लिंक करते हैं,
तो आपकी आंखों की जो टियर फिल्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इससे ड्राइनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है, आपके खुराक में आपको नट्स या कि नट्स और सी फिश ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे कि ड्राइनेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें जिससे कि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप एयर कंडीशनर या पंखे के नीचे बैठते हैं तो एयर कंडीशनर और पंखे का ब्लो डायरेक्टली अपनी आँखों पर ना आए उसका ख्याल रखें। अगर आप ड्राइविंग करते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो आपके ड्राइविंग का एसी का वेंट सीधे आपके फेस पे ना आए उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप सर्द मौसम में हैं तो ह्यूमिडिफायर्स को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे भी आँखों की नमी बनी रहती है और ड्राइनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इन मॉडिफिकेशंस को करके हम ड्राइनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ हद तक ठीक भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों के बावजूद भी आँखों में ड्राइनेस है तो आपको ड्राई स्किन ड्रॉप्स यूज़ करना अनिवार्य हो जाता है। ड्रॉप्स जैसे कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो कि आँखों में ठंडक देते हैं वो यूज़ कीजिए, पर गुलाब जल, कुकुम्बर ये सारों का यूसेज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूज़ करने पे आँखों में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आँखों पर डालने के लिए बनाई नहीं गई हैं और वो स्टराइल नहीं होती है। हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आँखों में टॉक्सिसिटी या इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके स्टराइल बॉटल्स में मिलने वाले आई ड्रॉप्स ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वो भी अगर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आप यूज़ करते हैं तो 3-4 बार ही दिन में यूज़ करें। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का आँखों के ड्राइनेस में कोई रोल नहीं होता है तो इन्हें जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपके ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी आपको आँखों में फिर भी ड्राइनेस लगती है तो अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे कि आँखों की प्रॉपर जांच की जा सकती है, क्योंकि हर प्रकार की ड्राइनेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉप्स ही यूज़ किए जाते हैं जो कि आँखों की इवैल्यूएशन के बाद ही हम पता पाएंगे। अगर ड्रॉप से भी आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है तो कई बार आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रॉप्स की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ड्रॉप्स, और कुछ ओरल मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं जिससे कि आपके आँखों का टियर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ड्राइनेस रहता है तो हम कुछ स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेस होते हैं जिसे हम स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेस बोलते हैं, जो कि फ्लूइड रिजर्वॉयर लेंसेस होते हैं जिसमें आपकी आँखों में कॉन्स्टेंटली नमी बनाने के लिए एक फ्लूइड लेयर होता है जिससे कि आपको ड्राइनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपकी आँखों में इवेपोरेटिव ड्राई आए हैं और आपकी आँखों के पलक पे काफ़ी ब्लेफ्राइटिस या डैंड्रफ जैसी चीज़ें हैं जिससे कि आपके टियर का इवेपोरेशन बढ़ जाता है तो आपको लिड हाइजीन जैसे कि वार्म कंप्रेसेस मतलब गर्म पानी का सेक करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार ये करने के बावजूद भी लोगों को आराम नहीं मिलता है। इन केसेस में एक नई ट्रीटमेंट होती है जिसे हम IPL ट्रीटमेंट कहते हैं। ये IPL ट्रीटमेंट क्या होती है, इसका मतलब है इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। आपकी आँखों के पलक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ग्लैंड्स आपका जो ऑयली सेक्रीशन है वो बनाते हैं। कुछ केसेस में ये सेक्रीशन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और बहता नहीं है, कई बार ये ग्लैंड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। इन केसेस में हमें उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है जिससे कि उसका सेक्रीशन बहने लगे। ये ट्रीटमेंट हम लाइट द्वारा करते हैं जिससे कि एक सेफ लाइट लेज़र लाइट आपकी आँखों के नीचे पलक पे हम 5 शॉट्स देते हैं, राइट आँख में 5 शॉट और लेफ्ट आँख में 5 शॉट, जिससे कि वो ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनका सेक्रीशन फिर से बहने लग जाता है। ये सेक्रीशन आपके आंसुओं को इवेपरेट होने से बचा देता है। ये प्रक्रिया से हम आपकी ड्राइनेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं और आपकी आँखों में कॉन्स्टेंटली नमी बनाए रखना पॉसिबल हो जाता है। ये ट्रीटमेंट आपको कम से कम 4-5 सेशंस में करनी पड़ती है जिससे कि आपका वो ड्राइनेस हम जड़ से मिटा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से आपकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और आप अगर कंप्यूटर यूज़र हैं और आपको ड्राइनेस की काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आपको ये काफ़ी हद तक
कम कर सकता है इस परेशानी को। कुछ लोग जो कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं और उनकी आँखों में ड्राइनेस होती है, उन लोगों में भी हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ लोग जिनको लेसिक के पहले ड्राइनेस अगर होती है आँखों में, तो ये ट्रीटमेंट कराने से आप लेसिक के लिए भी सूटेबल हो जाते हो। इस तरीके से अगर हम सिस्टमेटिकली इवैल्यूएशन करा के ड्राइनेस को ट्रीट करते हैं, तो लंबे समय तक आप ड्राइनेस से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपकी आँखों में ड्राइनेस होती है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम एक प्रॉपर जाँच के बाद आपकी आँखों में किस प्रकार की ड्राइनेस है वो हम इवैल्यूएट करेंगे और उसकी परफेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल करें या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपकी ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से आपके ट्रीटमेंट के लिए हमेशा उपलब्ध। धन्यवाद।